सात बजे समय था, एक शुगर का बच्चा को लोग पकड़ना थी इधर कुआं में गिर जाने के उपरांत में। इन लोग वहाँ पर गया तो निकालने का प्रयास किया, तो पहले एक आदमी हेला जिसका नाम है रविंदर मांझी, पिता जगरूप मांझी, और दूसरे हेला तो उनका नाम है जितेंद्र मांझी, पिता कन्हाई मांझी, और तीसरा का बिलेंद्र मांझी, पिता सोमर मांझी। तीनों गया तो वहाँ पर तीनों उसी में रह गया। फिर लोग हल्ला हुआ, ग्रामीण जनता जुटा था, उनको शिगर से सबको बाहर निकाला गया। सब दलित परिवार के इन लोग हैं। सरकारी कौन सा गांव है ये? ग्राम जानी बिघा पंचायत गाफतपुर। कितने उम्र के बच्चे थे ये? लगभग वो एक बिलेंद्र मांझी की उम्र था लमसम 25 से 30 साल, 30 वर्ष। दूसरे की उम्र था 18 साल और तीसरा का 17 साल। तो ये लोग को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए, मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बोधिया थाना यहाँ पर पहुँची है क्या? तो क्या थाना क्या आश्वासन दिया? थाना आश्वासन मिला है कि सरकारी सहायता राशि मिलेगा 4-4 लाख रुपया मुआवजा कर रूप में। इसलिए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सही परिवार, गरीब परिवार से है। अपना नाम बता दो। अपना नाम, मेरा नाम उपेंद्र साह, ग्राम जानी भी है, पंचायत का फक्त। हेलो, मतलब एक सुअर का बच्चा कुआं में गिर गया था और गिरने के ऐसे लोग देखा ना, तो दूसरा आदमी उसको निकालने के लिए कुआं में छलांग लगा दिया। फिर वो कुआं से नहीं निकला तो फिर तीसरा दूसरा भी लगा दिया, उसके बाद में तीसरा भी लगा दिया। और ग्रामीण मिल करके जब हल्ला हुआ ना, ग्रामीण मिल करके तब इसको झग्गर से कुआं से निकाला गया है। आज यहाँ पर अभी कहाँ भेजा जा रहा है? अभी ये मगध मेडिकल भेजा जा रहा है। अपना परिचय? हाँ, अपना परिचय सर, ASI नवल किशोर मंडल, बोध गया था ना। क्या घटना घटी है सर? गाफा खोज पंचायत के जानी बिघा गाँव में तीन व्यक्तियों, विरेंद्र मान जी, विरेंद्र मान जी और रविंद्र मान जी की मृत्यु कुआं के पानी में डूब करके मरने से हो गई। इसके लिए उन लोगों का अंत्य परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा है, और जो प्रावधान है आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दे इसकी कार्रवाई की।